हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये कोई टॉपिक नहीं है इस रीडिंग का, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। मैं सिर्फ आप दोनों के लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो, सारी चीज़ें देखने की कोशिश करने वाली हूँ इस रीडिंग में। तो एक चैनल रीडिंग की तरह होगी। जो कुछ भी मुझे यहाँ पे चैनल होगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। बट उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, किसी वजह से ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है? ये है हमारा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पर एक पोल लाइक क्वेश्चन आंसर टाइप डाला था कि आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। टैरो रीडिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछने, कुछ भी जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, या अपनी हीलिंग को लेकर, अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, जनरल क्वेश्चंस। टैरो रीडिंग के थ्रू मैं आंसर्स नहीं दूंगी, जो भी एक हेल्प की तरह कि आपको मैं अपने आपके सिचुएशन में कुछ हेल्प या एडवाइस दे सकूँ। तो यहाँ पर आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? और बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे और मैंने जवाब भी दिए है। तो अगर आपने अभी तक कोई सवाल मुझसे नहीं पूछा है तो आप भी मुझे पूछ सकते हो। ज़रूर जाओ इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और मुझे फॉलो भी कर लो एंड क्वेश्चंस भी पूछो मुझे, ओके? सो चलिए आज की रीडिंग, हम एक चैनल रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, क्या कुछ फील कर रहे हैं, आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे और आपके पर्सन की भी फीलिंग्स देखेंगे। परसेप्शन, सोलमेट, रिजेक्शन, वर्कोहॉलिक, फसाद, फेथ, ओके। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन की बात अगर की जाए, आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स देखी जाए, आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, ठीक है? वो मानते हैं कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है। चाहे आप दोनों के बीच में देखिए प्रॉब्लम भी चल रहे हो, सिचुएशंस, सॉरी वो ब्लूटूथ का आवाज़ था, सिचुएशंस कैसी भी हो आप दोनों के बीच में, बट आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, ओके? देयर इज़ अ सोल कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मानते हैं आपके साथ। बट देखिए, अगर उन्होंने भी आपसे ब्रेकअप किया है या बात नहीं कर रहे हैं या जो भी है, उनकी भी अगर, उनकी तरफ से भी अगर ये दूरियां बनाई गई है या जो प्रॉब्लम्स जो भी है, स्टिल दे थिंक कि आप उनके सोलमेट हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर पाते हैं। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त एक सबसे बड़ा इनके ऊपर टेंशन ये है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। अगर ये रीच आउट करते हैं, अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं, तो वॉट इफ़ यू रिजेक्ट देम, उनको ये डर बहुत ज़्यादा लगा है। और मुझे लगता है पर्सन थोड़ी इगोइस्टिक है, इस वजह से इनको रिजेक्शन इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप वो आपको मैसेज करते हैं और आप गुस्से में भी हो बट आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि आप गुस्से में क्यों हो, आपको मनाना चाहिए, प्यार से मनाना चाहिए। ये पर्सन उससे भी रूट कर मुँह फुला के बैठ जाते हैं, उनको उस चीज़ का भी डर लगता है कि अब मैं क्यों करूँ मैसेज, मैंने तब किया मैसेज तो उसने रिप्लाई नहीं दिया। तो इस तरह के थोड़े से इमेच्योर पर्सन है जिनको लगता है कि यू नो, मैं मैसेज कर दूंगा और उसका रिप्लाई नहीं आएगा तो भाई मुँह के बल गिर जाऊंगा, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ऐसे पर्सन है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन का एक आपको लेकर ना कुछ नज़रिया बदला है इस पर्सन का। कुछ सोचते थे पहले बट अब वैसा ये पर्सन नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर। पॉजिटिव जो भी चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, काफ़ी अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर, और एक्सेप्टेंस बढ़ी है इस पर्सन के अंदर। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि जनरल रीडिंग है, हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ हर एक चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। अगर आप बिलीव करते हो तो इसको आप एक मेडिटेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस। आप देखिए ये रीडिंग सुनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अच्छा लगने के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इसी से क्या होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, डेवलप होती है, और वो आप भेजते हो आपके पर्सन को, तो और रिश्ता मजबूत होता है, ठीक है?
और ये करंट एनर्जीज है, कभी कभार सिचुएशंस बदलती भी है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ पे इतना ज़्यादा ऐसा नहीं करना है, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे भी टैरो रीडर्स के आप रीडिंग देखते होंगे बेशक, तो किसी को ऐसा मत बोलिए कि आपकी रीडिंग में यू नो आप बहुत शुगर कोट करते हो। पहली बात तो अगर आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली होगी, आपने ये देखा होगा कि पर्सनल रीडिंग इस रीडिंग से बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। वहाँ पे आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की और आपके रिश्ते की एनर्जीज होती है, तो वहाँ पे भी मैं मेंशन करती हूँ मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। अगर आप सुनने को तैयार हो सच तो ही बुकिंग करवाओ, वरना मत करवाओ, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पे ऐसा कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों शुगर कोटिंग करूँ। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, तो फिर एक दो ही ऑप्शंस है, या तो आप सुन के दूसरे कान से निकाल दो, या तो आप इस पर रीडिंग को ही मत सुनो, ठीक है। बट मुझे लगता है कि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अच्छा सोचो, अच्छी बातें सुनो, अच्छा ही होगा। मुझे पर्सन का नज़रिया काफ़ी बदला बदला सा नज़र आ रहा है आपको लेकर, कुछ भी इन्होंने आपके बारे में धारणाएं जो बना रखी थी बदल चुकी है। दूसरी चीज़, आपका अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आपने ना अपने आप को थोड़ा काम में ढाल लिया है। आप अपने आप को काम पे फोकस कर रहे हो, जो भी आप करते हो, स्टूडेंट हो तो स्टडी कर रहे हो, जॉब करते हो तो जॉब पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी अच्छे से संभाली है, बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आप कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो वर्कोहॉलिक आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप बहुत काम कर रहे हो। आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है ये कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने आप को फोकस कर रहे हैं काम पे। मुझे ये भी लगता है कि अब देखिए, मुझे ज़्यादातर ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना अपना मन कहीं और डाइवर्ट कर लिया है। प्यार बहुत करते हैं, याद इस पर्सन को बहुत आती है, और आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, सिचुएशंस ठीक भी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो भी आपके बीच जो भी प्रॉब्लम्स है। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना मन डाइवर्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं ध्यान देना है यहाँ पे, मुझे कुछ और देखना है, तो ये अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड मुझे ये भी लगता है कि या तो आपको ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, ये सब एक झूठ था, इस पर्सन ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मुझे कभी अपना नहीं माना है इस पर्सन ने, तो आप भी एक लेवल पे इनको अपना सोलमेट मानते थे, अभी भी मानते होंगे, लेकिन आपका जो एक प्रैक्टिकल जो माइंडसेट है ना, वो कहीं ना कहीं अभी जवाब दे रहा है। आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं यार, ये प्यार व्यार कुछ था ही नहीं इस पर्सन को मुझसे, ठीक है। इसलिए भी शायद आप काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि एटलीस्ट करियर तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये पर्सन का तो कोई भरोसा नहीं है, करियर तो मेरे साथ रहेगा आखिर तक, तो ये माइंडसेट आपका हो गया है। बट मैं अभी भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते हो, आप बहुत प्यार करते हो, आप दोनों सोलमेट्स मानते हो एक दूसरे को, एंड हो भी सकते हो, यहाँ पे बहुत लोग सोल कनेक्शन में हो। एंड मुझे लगता है कि फिर भी आपने ना कहीं एक होप की जोत जगा के रखी है, आपने अभी भी आप होप्स रख रहे हो इस कनेक्शन से, भले इस पर्सन ने आपको बहुत बार हर्ट किया है, बहुत बार आपको डिसअपॉइंट किया है, बट फिर भी आपने होप्स काफ़ी रखे हुए हैं, ठीक है, इस पर्सन से भी और इस कनेक्शन से भी। होप्स नहीं हारे, आपने फेथ रखा हुआ है कि भगवान है, भगवान देख लेगा, अगर ये पर्सन सच्चा है, मेरा है, तो ये मेरे पास आएगा, ऐसी मेरे को एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, चलिए और देखते हैं, थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। अभी हम लोग आपके पर्सन के फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। द सोर्स, प्रोजेक्शंस, द मास्टर, द ड्रीम, गोइंग विद द फ्लो, लेजीनेस। ओके, सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ, आपके पर्सन मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट्स भी और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही है, तो आप मिरर कर रहे हो, जैसा आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो चीज़ें, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही ये पर्सन सोच रहे हैं। अगर आप लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो, परेशान हो गए हो, तो ये पर्सन की भी सेम एनर्जी है। तो इसलिए सोच समझ के कुछ भी सोचिए, सोच समझ के किसी भी एनर्जी में रह रहे हो, सोच समझ के रहिए। अगर आप नहीं चाहते प्रॉब्लम्स आए इस कनेक्शन में, तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है।
ये भी नहीं बोलना आपको कि ये पर्सन तो इसने मुझसे झूठा प्यार किया है। अगर आप वैसा कर रहे हो ना, आप जानते हो कि आप सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम, वो इंटेंसिटी आप अगर फील कर पाते हो, प्लीज़ कुछ भी गलत सलत सोच अपने मन में मत लाइए। रिफ्लेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, आप मिरर कर रहे हो वो चीज़ें। ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूर भले ही होंगे आपसे इमोशनली फिजिकली किसी भी तरह, दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप क्या हो, क्या है आपकी सोच, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में, दिल में, दिमाग में। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार इस पर्सन की तरफ चल रहा है, रिफ्लेक्शन। वो अपने भी गलतियाँ देख रहे हैं, वो अपने भी अंदर झांक रहे हैं कि वो क्या है, वो क्यों, वो क्या सोचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सो सिर्फ आपको ही नहीं, ये पर्सन अपने आप को भी एनालाइज कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न एंड ईगोइस्टिक पर्सन है। इंटेलिजेंट बेशक बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, स्मार्ट है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि प्यार के मामले में कच्चे हो, लेकिन बाकी लाइफ में ये बहुत सॉलिड स्ट्रांग पर्सनालिटी है, स्ट्रांग इनका जो पर्सोना है, ठीक है, बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है, विटी है। हो सकता है ये पर्सन टीचर हो या किसी ऐसे जॉब में या ऐसे करियर में है जहाँ पे ये पर्सन किसी को कुछ, यू नो, दे प्रोवाइड, दे आर अ प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक, किसी भी तरह, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट भी है तो बहुत होशियार स्टूडेंट है, अगर जॉब भी करता है तो ये टॉप पोजीशन पे होंगे, या फिर एक, यू नो, वेल रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी है। बिजनेस भी करते होंगे तो बहुत दिमाग लगाते हैं बिजनेस में, बहुत स्ट्रांग पर्सन है, लेकिन प्यार के मामले में एकदम कच्चे हैं। एंड मुझे लगता है कि इस वजह से इन्होंने, इनका जो एक ईगो का जो स्टैंडर्ड है, अपने अपने लिए इन्होंने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है ना, वो काफ़ी ऊंचा है। और उस लेवल पे ये पर्सन खुद को रिजेक्टेड कहीं भी नहीं फील करना चाहते, इसलिए भी ये जल्दी से आपके पास नहीं आते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो 30 मार खाऊँ, तो मेरे को अगर रिजेक्ट कर दे तो भाई मैं कैसे सह सकता हूँ। तो इनका प्रॉब्लम ये है, ये अपने आप को बहुत ही सुप्रीम समझते हैं। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना कहीं ये पर्सन का जो नज़रिया है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला, आपके लिए इस पर्सन का नज़रिया चेंज हो रहा है, काफ़ी बदलाव आ रहा है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर। अगर कोई गलत फहमियाँ थी तो वो दूर हो रही है, अगर आपको लेकर बहुत कुछ सोचा इस पर्सन ने गलत सलत, तो वो ठीक हो रहा है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक है ना, कुछ शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करना चाहती है। ये चाहते हैं कि पास्ट की बात ही ना हो, पास्ट की एनर्जी को आप दोनों के बीच में अब ना लाया जाए और एक नई शुरुआत हो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आपकी एनर्जी अगर देखी जाए ना, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम पे फोकस लगाया है आपने, लेकिन बार 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 आपको इस पर्सन का कहीं नाम दिख जाता है, नाम का पहला अक्षर दिख जाता है, ये पर्सन की ड्रीम्स आते हैं आपको सोते जागते, ठीक है। तो साइंस ही साइंस, हर तरफ आपको इस पर्सन के साइंस दिखना शुरू हो जाते हैं, आपको ये पर्सन हर जगह दिखना शुरू हो जाते हैं। और फिर से एक, यू नो, आपके मन में वो इच्छा हो जाती है कि यार मुझे इस पर्सन के साथ होना चाहिए, मुझे इसको इसकी बाहों में होना चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए। तो आप एक खिंचाव खिंच गए हो, यू नो, एक जो बट गए हो आप दो हिस्सों में आपकी। और एक एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया, आपको सिर्फ फेक प्यार दिखाया है, दिखावा किया है, तो जिसके वजह से आप, यू आर गोइंग विद द फ्लो, आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो अपने तरफ से। आप ऐसे हो गए हो कि भाई अगर ये पर्सन मेरा है सच में तो ये मेरे पास आएगा, वरना फिर एक स्टोरी की तरह मैं इस सिचुएशन को भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। तो यू आर जस्ट लेटिंग इट, आपने सरेंडर कर दिया है, और फेथ तो रखा है आपने, होप्स तो रखे हैं, लेकिन कोई एक्शन अब आप अपने तरफ से नहीं लेना चाह रहे हो, आपने इस पर्सन पे और यूनिवर्स पे, भगवान पे छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, साइंस में लास्ट में बताऊंगी, एस ऑफ पेंटिकल्स,
फूल किंग ऑफ कप्स टू ऑफ स्वॉर्ड्स थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। सेम एनर्जी आई है, पहले भी एम्परर की एनर्जी ही आई थी। ओके, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन को ना फिलहाल जो इनकी फीलिंग्स देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स रख रहे हैं। ये पर्सन अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपने अंदर छुपा रहे हैं। ये पर्सन लिटरली दे आर नॉट विलिंग टू शो, बिल्कुल भी अपने फीलिंग्स शो नहीं करना चाह रहे हैं। छुपन छुपाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो रही है, एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, उनके ऊपर तनाव, उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। ठीक है, जितना ये पर्सन आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अपने फीलिंग्स से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इनका तनाव बढ़ते जा रहा है, नहीं हो पा रहा है उनसे। सी, ये पर्सन चाहे तो अभी आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सिचुएशंस ठीक कर सकते हैं आपके साथ। चाहते भी यही है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, सैजिटेरियन एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा अपने लिए भी मुश्किल कर रहे हैं चीज़ों को, और आपके लिए भी, क्योंकि आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हो ना। मुझे लगता है ये पर्सन आपको देख तो रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ओके, ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दे लुकिंग बैक, बट जैसा मैंने बोला, डर रहे हैं रीच आउट करने से। उनको लगता है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं आप बात करना भी चाहोगे या नहीं। तो ये डर डेफिनेटली है इस पर्सन के मन में, और ये डरते इसलिए है रीच आउट करने से क्योंकि उनको अपना ईगो बहुत प्यारा है। उन्हें लगता है कि भाई मैं तो 30 बार कान हूँ, मुझे तो कैसे ये पर्सन रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डर है इस पर्सन को रिजेक्शन का, एंड आपके इग्नोरेंस, ये पर्सन किसी का भी इग्नोरेंस सह सकते हैं, आपका नहीं सह सकते। लेकिन इस पर्सन को एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, कुछ ऑफर करना है स्टेबल आपको। ठीक है, चाहत तो यही है इस पर्सन की कि कुछ ऑफर करें, लेकिन पता नहीं इस पर्सन को लगता है कि आप तो लड़ने झगड़ने के मूड में हो, आप गुस्से में हो। ये अगर कुछ ऑफर करते भी है तो आप समझने सुनने के तैयार नहीं हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा फील करते हो कि मुझे आपकी एनर्जी में ऐसा कुछ दिखा नहीं है, बट इस पर्सन को ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रिश्ता निभाना मतलब बोझ है, बहुत कुछ करना पड़ता है रिश्ता निभाने के लिए, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है या बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये डरते बहुत है। ठीक है, अपनी, इनको लगता है कि मैं अपना फ्रीडम खो दूंगा। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि इस वक्त ये पर्सन इट्स टेकिंग इट वेरी स्लो, थोड़ा डर डर के फूक फूक के कदम डाल रहे हैं, क्योंकि आपके बिना भी नहीं रहा जा रहा है, लेकिन आपसे रीच आउट करने के भी डरते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, खोना नहीं चाहते ये पर्सन आपको, लेकिन बिल्कुल आपको पता नहीं चलता होगा कि ये पर्सन आपको खोना चाहते नहीं है ऐसा, क्योंकि बिल्कुल दिखाई नहीं रहे हैं आपको, बट दे रियली, आपकी वैल्यू इस पर्सन के लाइफ में बहुत है। ठीक है, आपको बहुत, आप बहुत मैटर करते हो उस पर्सन के लाइफ में, बट ये आपको दिखाते नहीं है। आपको कभी समझ में भी नहीं आएगा कि ये पर्सन इतना हाइड करते हैं अपने फीलिंग्स को। ओके, बट दे लव यू अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इस पर्सन के आपको लेकर, कमिटमेंट देना भी चाहते हैं ये पर्सन आपको, बट सिचुएशंस ऐसी है ना कि ये पर्सन आपको चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये पर्सन मुझे लगता है कि खुद अकेले पड़ गए हैं, खुद बहुत परेशान है, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना इनको इस वक्त अच्छा नहीं लगता। मतलब ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं, उनको लगता है कि ऐसा ही अच्छा है, उसको देख भी पाता हूँ, शायद उन्होंने आपको ब्लॉक भी नहीं किया होगा तो आपको देख भी पाते हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ रही है, तो ऐसी एनर्जी में है यहाँ पे। मुझे काफ़ी कंफ्यूजन भी दिख रहा है, काफ़ी कंफ्यूजन। ठीक है, इस पर्सन के अंदर मुझे ड्यूअलिटी दिख रही है, एक क्लियर सोच नहीं नज़र आ रही है मुझे, डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाते, बहुत कंफ्यूजन में लगे रहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है मुझे इस पर्सन का, बट प्यार बहुत है। ठीक है, आप एक बात क्लियर है, ये पर्सन कुछ भी सोचे प्यार बहुत करते हैं, सॉलिड
लाइक इनकी फीलिंग्स बहुत सॉलिड है और बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बट ऑफर करे या नहीं, एक्सप्रेस करे या नहीं, इस चीज़ की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है. हर्ट भी है ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता है कि इस रिश्ते में इक्वल इक्वालिटी नहीं रही है, एक बैलेंस नहीं रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है. तो डर भी रहे हैं, थोड़ा सा परेशान भी है, स्ट्रेस में भी है, टूटा हुआ दिल है इस पर्सन का इस वक्त, ठीक है. एंड बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार वो बैलेंस गायब हो गया रिश्ते से, वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है. बैलेंस बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं. मुझे पता नहीं इस पर्सन की लाइफ में कुछ करियर इश्यूज भी लग रहे हैं, या तो ये मतलब बहुत स्ट्रेस में है, करियर फैमिली किसी को आपके साथ जगल कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा. मुझे कोई रोमांटिक सिचुएशन नहीं दिख रही है, कुछ करियर है या कुछ फैमिली का स्ट्रेस है या फैमिली के बाउंड्रीज है कुछ, या पेरेंट्स के कुछ इश्यूज है, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा इनका, अगर इन्होंने अगर कोई एक्शन अब तक नहीं लिया है ना, उसके पीछे कोई एक पर्सन भी हो सकता है, इनकी फैमिली या फ्रेंड या कोई और, जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, या फिर ये पर्सन ही खुद बहुत ज़्यादा मानते हैं उस पर्सन को. ओके, सो इनको थोड़ा ईगो मुझे लगता है कम करना चाहिए. बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ईगो में रहते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब कर लेते हैं. आपके लिए एडवाइस देखते हैं, आपको एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए. पहला कार्ड है द डिवाइन मैस्कुलिन. देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना देखिए आपको अगर पता होगा नहीं पता होगा आई डोंट नो, हर एक पर्सन में एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है. एंड स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक डिवाइन कनेक्शन में है, अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनाइन से डील कर रहे हैं. देर इज़ एन इम्बैलेंस, ठीक है. चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, देर इज़ एन इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी. तो उसको बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है. आप दोनों में ही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत कम है. ओके, तो प्लीज़ उस पर काम करिए. आप उसके बारे में और पढ़ सकते हो. आपकी वेवलेंथ उस टाइप की मैच ही नहीं कर रही है, या तो बहुत मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा एक इमोशनल हो रहे हो. स्पिरिचुअलिटी के तरफ मुझे आप दोनों का रुझान थोड़ा कम दिखाई दे रहा है. रीपेरेंट योर सेल्फ. तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप ना कहीं ना कहीं, या तो हो सकता है इस रिश्ते की वजह से आपको सेल्फ डाउट होने लगा है, खुद से ही कॉन्फिडेंस कम हो गया है, एक पीस ऑफ माइंड नहीं रहा. तो अपने आप को थोड़ा सा रीपेरेंट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा समझाइए. ओके, आप ही अपना गाइड बनिए, आप ही अपना पेरेंट बनिए और अपने आप को समझाइए. अपनी केयर करना आपके हाथ में है, ठीक है, किसी और के हाथ में नहीं है. तो अपने आप को आपको स्ट्रांग बनाना है, अपने वैल्यूज़, अपने बाउंड्रीज आपको खुद सेट करने, सेल्फ लव बेसिकली बहुत ज़रूरी है. एंड आखिरी आपके लिए क्रिएटिविटी है. तो या तो आपको चैनलाइज करना है अपने, देखिए यहाँ पे दो मैसेजेस आ रहे हैं. पहला, आपको अपने आप को कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव चीज़ करना पसंद होगा ना. अगर आप स्ट्रेस में हो तो कुछ क्रिएटिव चीज़ करिए, अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए क्रिएटिव चीज़ों की तरफ. या तो अपने रोमांटिक लाइफ में आपको थोड़ा सा एक स्पाइस ऐड करना है. अब वो कैसे करना है, आप एडल्ट हो, आपको पता है क्या कुछ करना है, ठीक है. कुछ सरप्राइज प्लान करिए, कुछ आउट ऑफ, कुछ रूटीन से बाहर करिए. आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा रूटीन टाइप का हो गया है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है आपको, ठीक है. आपके लिए और लव मैसेजेस भी देख लेते हैं. तुम्हें खोने का डर हमेशा रहता है. काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते. एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, एक तुम बढ़ाना. तुम्हें सिर्फ सोचना भी सुकून है. कुछ गलतियां तुम्हारी भी थी. सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो. हो सकता है आपके पर्सन की हाइट आपसे टॉल है या फिर टॉल है काफ़ी. एंड मुझे बस तुम्हारी खुशी और प्यार चाहिए. सो या दैट वॉज इट. कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर बताना. अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कॉमेंट शेयर करना. सी यू नेक्स्ट वीडियो.